चौंक च इकट्ठे हो नारे ला इंसाफ की मंग कर रहे कश्मीरी भाईचारे के व्यक्ति। हुण तुसीं इस व्यक्ति की तस्वीर नूं गौर नाल देखो। ये गरीब घर का नौजवान अपने परिवार का ढिड पालन लई कश्मीर तो इत्थे आया सी, पर किसी वैशी दरिंदे ने इंसानियत दीआं सारीआं हद्दां टप इस नाल जो दर्दनाक ते भयानक कारा कीता उस लई हुण इस दे साथी इंसाफ की गुहार लगाउण लई मजबूर ने। मामला है फिरोजपुर का, जिथे सर्दियों से कुछ महीने कश्मीर तो आ वड्डी गिणती च कश्मीरी भाईचारे दे लोग पिंडा पिंडा फेरी ला गर्म कपड़े वेचण दा कम करदे ने। नगदी दी थां उधार च गर्म कपड़े वेचना इन्हां दी मजबूरी है। अपने टब्बर दा ढिड पालण लई ज़्यादातर कश्मीरी फेरी वाले अजिहा ही करदे ने। पिंड मिराजपुर तहसील हंदवाड़ा ज़िला कुपवाड़ा दा रहण वाला मुश्ताक अहमद मीर नां दा इह नौजवान बीते 13 सालां तों हर साल सर्दियों से फिरोजपुर आ पिंडा च गर्म कपड़े वेचण दा कम करदा सी। अपने एक रिश्तेदार कोल बस्ती बलाकी खूह वाला नेड़े किराए ते रह रहा मुश्ताक अहमद वीरवार अपने गाहकां तों उग्राही करन लई घरों सवेरे साइकिल ते निकलदा पर वापस नहीं परतदा। जदों उस दे साथियों ने उस नूं फोन मिलाया तां उसका फोन भी बंद आ रहा सी। शाम तक चारे पासे उसकी भाल की गई, पर जदों मुश्ताक नहीं मिलिया तां देर शाम उन्हां थाना सदर पुलिस नूं इस संबंधी इतला दित्ती। अगले दिन सवेरे पुलिस दा फोन आउंदा, फिर उसदे साथी जद मौके ते पहुँचदे ने तां खौफनाक मंजर देख उन्हां दे होश उड़ जांदे ने। ये कश्मीर का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा का, तहसील है हमारा हंदवाड़ा है सर, गाँव है हमारा सिराजपुरा। ये एक गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, इसका न बाप है, माँ बूढ़ी है, बच्चे इसके छोटे छोटे हैं, बहनें इसकी नौजवान हैं। क्या ये बेचारा यहाँ कमाने के लिए आए हैं सर? अब ये कल जब कवाड़ से निकला है, मुझे यही इतना ही बोलना है, जब ये सुबह 8 बजे कवाड़ से निकला है तो इसने गया गाँव में पैसा लाने के लिए। ये रोज़ आता था हमारे 20,000-15,000 जितने जितने इसको लोगों से पैसे आते थे उतना ही शाम को अपने ठेकेदार को दे देता था, क्योंकि हमारा 10-20 रुपए का काम होता है, हमारा उतना ज़्यादा हैवी बिजनेस नहीं है सर। यहाँ करोड़ों में लाखों में 2-1.5 लाख का माल हम यहाँ 2-3 महीने में बेचते हैं, उसमें देखो सर हमारा प्रॉफिट कितना होता है, 20,000-30,000 बच जाता है, उतना हमें खाने पीने में लगता है। यहाँ जब सुबह 8 बजे निकला ठेकेदार ने 12:12 को फ़ोन किया है, मुश्ताक आप आ जाओ खाना खाने के लिए। इसने बोला मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं 3-4 बजे तक क्वार्टर पहुंच जाऊंगा, लेकिन ये इससे पहले भी 4-5 बजे क्वार्टर में पहुंच जाता था, रोज़ आता था 4-5 बजे से पहले ये क्वार्टर पहुंच जाता था। ये कभी 5 बजे के बाद क्वार्टर में नहीं, ये बाहर किसी के घर में रहा। जब इसका फ़ोन 3 बजे फिर फ़ोन किया, मुश्ताक का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, रात देर हो गई, हम लोग काफ़ी परेशान हो गए, जितने भी हमारे यहाँ खान है कश्मीरी है, हम परेशान हो गए इकट्ठे होकर, हम रो रहे थे, हम बेबस हैं, यहाँ हमारा कोई यहाँ नहीं है सुनने वाला, हम गए हैं गाँव में खेतों में जहाँ पहले हम सर पुलिस स्टेशन में FIR हमने दिया है, उसके बाद सर हम ढूंढने के लिए निकले हैं। पुलिस स्टेशन कौन सा? सदर थाना में सर, तो वहाँ से जब हम निकले हैं ढूंढने के लिए कोई पता नहीं लगा, सब बोलते थे कल आया था परसों आया था, हमने जितना देना था हमने उसको दे दिया। तो सर रात जब हो गई, हम रात फिर 12 बजे रात 11 बजे क्वार्टर में आए हैं, हम कहाँ सोने थे, हमने कहाँ हमने खाना खाना था, हम रो रहे थे। जब सुबह हम गए, सुबह पुलिस ने कॉल किया, पुलिस ने सर हमारी मदद की है, उसने मेरे को कॉल किया है कि खान यहाँ डेड बॉडी है, वहाँ पले रोड पे एक छोटा सा गुरुद्वारा है सर, वहाँ थोड़ा सा खेत में इसके पास साइकिल भी था, इसके पास अपनी डायरी भी था, इसके पास मोबाइल भी था, इसके पास वो पैकेट में बटुआ भी था, आधार कार्ड कुछ भी नहीं सर इसके पास मिला है, सब साइकिल भी इसके पास नहीं मिला है, सारा इसे छीन कर पता नहीं इसको फांसी दी है, लेकिन सर इसको किसी ने गोली नहीं मारी है, कोई निशाना नहीं है, खाली फांसी का निशान है सर इसके ऊपर। अब सर हम आपके माध्यम से हमारे को कम से कम यहाँ एक एक कश्मीरी का 3-3, 2-2, 3-3 लाख रुपया उधार है हर एक घर में जहाँ हमारा है, हमारे को सर इंसाफ दे दो, तो फिर हमारे हम कहाँ बैठे हैं सर, हम क्या करेंगे, जिनसे सर हम पैसा लेने वाले हैं वो फिर कल हमारे को भी मार देंगे, इसको सबको मार डालेंगे, फिर सर ऐसा ही इंसाफ हमारे साथ होगा। हमारा साथी कल 6 बजे से पता लापता हुआ, क्योंकि कल 8 बजे वो निकला है काम पे,
कल 8 बजे वो निकला है काम पे और वो उधार लेने के लिए लेने के लिए जा रहे थे। अब क्योंकि घर जाने का टाइम है, सीज़न है, अब वो उधार जमा कर रहा था। तो यूं ही जब वो कहीं घर में गया होगा और किसी से पैसे मांगे होंगे, शायद उनके साथ वर्ताव अच्छा नहीं हुआ होगा, तो उसको कत्ल किया गया। तो हम यही डिमांड करते हैं अपने जस्टिस को, जो यहाँ पर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है फिरोजपुर की, और हमें उम्मीद भी है क्योंकि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी है और पूरा पुरखलूस हम ये चाहते हैं। ये हम शक नहीं, अलबत्ता हमारे पास जो सीसी कैमरा टीवी जो यहाँ पर उन्होंने दिखा दिया है, वहाँ एक गुरुद्वारा है, वहाँ सीसी फुटेज वहाँ निकाला गया उनको, वो पुलिस के सुपुर्द हमने किया है। तो हम शक नहीं करते, हमें क्या मालूम है कि किसने किया। इंसाफ तो पुलिस के ज़रिए से मिलना है, थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए से। तो हम यही प्रोटेस्ट करते हैं और बिल्कुल जेन्युइन प्रोटेस्ट करते हैं ताकि हमें इसका इंसाफ मिले। जो जितने भी यहाँ ये जो कश्मीरी बैठे हैं, जितने भी कश्मीरी, आप कैमरा अपना घुमाओ और देखो, जितने भी यहाँ पर कश्मीरी बैठे हैं, इनके दिलों में और दिमाग में खौफ है। हम यहाँ पैसे मांगने जाएं, कहीं हमें कत्ल ना कर दें, कहीं हमें ना मारें। तो हम आपसे कि इन्हों दे बंदे का मर्डर हो गया, जेड़ा कि बाहरों बेचारा एक गरीब तबके का बंदा रोटी रोटी कमान आया, उन्हें यह नहीं पता है कि इन्हों ने बेचारे दिहाड़ियाँ कर करके गली गली सड़क पर घूम घूम के अपनी खर्चा पूरा करते हैं। पर अज एक इंसानियत रो रही है, गल कश्मीरी तो पंजाबी की नहीं कि कश्मीर के ने या पंजाब के ने, गल ये कि साढ़े पंजाब आके एक इंसानियत रो पी। फिरोजपुर के इन्ना बुरा हाल हो रहा है कि कोई भी बंदा सिक्योर नहीं है। असी दौड़ के आए, साडा कोई कंसर्न नहीं, एक इन्होंने एक इंसानियत के नाते साडा मन अंदरों रो पिया कि असी सानू साथ देना चाहिए। इन्ना साढ़े भी बच्चे बाहर गए ने, जे उन्होंने ही बुरा हाल होंगे उत्थे जाके बुरे हाल होंगे, ये भी इन्हों का सामने फॉरन ही है साडा पंजाब। पर कम से कम पुलिस वालों को इन्हों का साथ देना चाहिए, जो भी इन्हों का हैगा इंक्वायरी प्रॉपर तरीके नाल करनी चाहिए है। सरकार नू भी साथ देना चाहिए कि एक गरीब बंदे बारे सोचना चाहिए कि किस तरह वो औखा होकर अपनी रोजी रोटी बेचारा कमान आए तो जान तो हाथ धो पे। मुश्ताक अहमद के साथियों के मुताबिक गरीब परिवार नाल संबंध रखण वाला मृतक मुश्ताक अहमद अपने 3 छोटे-छोटे बच्चों, बुजुर्ग माँ, घरवाली और भैणा का इकला कारा सहारा सी, जो इत्थे कुछ महीने कमा के सारा साल टब्बर दा ढिड पालदा सी। खैर, इस मामले च पुलिस ने परचा दर्ज कर कतल दे सुराग लभण दी कोशिश च जुड़ चुकी है। हकीकत वी पंजाबी लई फिरोजपुर तों सुखचैन सिंह दी रिपोर्ट।